नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आज का प्रसंग है मार्ग शीर्ष मास का पहला प्रदोष वर्त कब है। जानिए शुभ मुहूर्त, तिथि और धार्मिक महत्व क्या है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं मार्ग शीर्ष महीने का पहला प्रदोष वर्त कब है। हरि प्रेमियों, हमारे शास्त्रों में प्रदोष वर्त का बहुत ही विशेष महत्व है। हर महीने में दो प्रदोष वर्त रखे जाते हैं। प्रदोष वर्त यानी त्रयोदशी वर्त, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह वर्त होता है। वहीं आपको हम यह भी बता दें कि इस वर्त को भगवान महादेव की विशेष रूप से उपासना पूजा की जाती है और साथ ही मान्यता यह है कि जो व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि का वास रहता है। वहीं हमारे पंचांग के अनुसार 28 नवंबर 2023 से मार्ग शीर्ष मास की शुरुआत हो चुकी है और मार्ग शीर्ष का पहला प्रदोष वर्त 10 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। इसको रवि प्रदोष वर्त के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह वर्त रविवार को होगा। इस दिन रविवार होने के कारण रवि प्रदोष वर्त कहलाएगा। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार मार्ग शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर को प्रातः 7:12 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी 11 दिसंबर को प्रातः 7:10 पर समाप्त हो जाएगी। वहीं इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है, इसलिए प्रदोष काल को आधार मानते हुए प्रदोष वर्त 10 दिसंबर को ही रखा जाएगा। हरि प्रेमियों, पंचांग के अनुसार 10 दिसंबर को प्रदोष काल शाम 5:24 से आरंभ हो जाएगा और संध्या काल 8:08 पर समाप्त होगा। इस समय में भगवान शिव और मां पार्वती की आप पूजा कर सकते हैं। रवि प्रदोष वर्त के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर कीजिए, साथ ही शिवलिंग का श्रृंगार भी कीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का हमेशा वास रहेगा। साथ ही राहु केतु शनि ग्रहों का अशुभ प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी वंदना करते हैं, महिमा करते हैं। वहीं इस दिन सुबह सूर्यदेव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से सुखद स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन के सभी संकट भी दूर हो जाते हैं और धन व समृद्धि हमेशा आपके जीवन में बनी रहती है। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय शिव शंकर, जय भोले।